करवा माटे प्रोएंटली ट्रेड सर्विसेस ना फाउंडर दिनेश सोमाणी अपनी साथे जोड़ाया छे। एमनी साथे चर्चा करी ए पहला पोर्टल लॉन्च करती वखते अमित शाह ए शुं कह्युं आवो सांभळीए। नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कम एमएसपी और इससे ज्यादा जो बाजार मूल्य है उसकी एवरेज पर आधारित किसानों का एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की परचेज और इसके डीबीटी के भुगतान की शुरुआत हमने की। दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना और इसके साथ साथ भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है, किसानों के लिए बहुत शुभांकर। तो हवे आपणे वधु चर्चा करीशुं। दिनेश सोमाणी आपणी साथे जोड़ाया छे। दिनेशजी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। तो दिनेशजी, ये पोर्टल की जो शुरुआत होती हुई हम यहाँ से देख रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया बन रही है? जी बिल्कुल, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट के आप दोनों टर्म्स को मद्देनजर रखते हो तो इन्होंने किसान को हमेशा अपग्रेड करने का ही एक प्रयास किया है। वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, एमएसपी निरंतर बढ़ाने वाली बात हो, डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर वाली बात हो, या फिर उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाली बात हो, अगर आप इनको निरंतर देखते हो तो ये जो स्कीम है पोर्टल की, ऑनलाइन ट्रांसफर की, ये सबसे बेनिफिशियल रहेगी। फर्स्ट थिंग इज, तो अगर एमएसपी से प्राइसेस नीचे रहेगी तो एमएसपी पर खरीदारी करेगी, और अगर एमएसपी से प्राइस ऊपर है तो जो मार्केट रेट रहेगा वो मार्केट रेट किसानों को मिलेगा। मतलब जो हर तरह से अगर आप देखते हो तो किसानों के लिए बहुत सारी की विन विन सिचुएशन ही है। सेकंड थिंग, आपको पैसे लेने के लिए कोई कतार में खड़ा नहीं रहना होगा, आपके डायरेक्ट अकाउंट में आपका पैसा आएगा और मार्केट रेट से आपको पैसा मिलेगा। और साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट के लिए बफर स्टॉक क्रिएट करने का एक बहुत बढ़िया प्रयास रहेगा। शायद तुअर का प्रोडक्शन कहीं कम हो और अगर हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसी के चलते गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहती है ताकि प्राइसेस अगर एबनॉर्मल बढ़ती है तो उसको सप्लाई करके प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। जी दिनेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि इस साल भी हमने देखा है कि जो दालों की आयात है हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हुए देखी है, और यहाँ पे लक्ष्य रख रहे हैं 2027 तक आत्मनिर्भर बनने का, किस तरीके से हमें इसे देखना चाहिए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर देखो तो टूअर का जो हमारा इम्पोर्ट था करीब करीब 8.5-8 लाख टन था, जो पिछले साल 9 से 9.25 लाख टन का था। हम इंपोर्ट पर निरंतर निर्भर रह रहे हैं और हमारे दिशावर की पैदावार निरंतर कम होती जा रही है। इसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि मार्केट रेट मतलब डायनामिक प्राइसिंग पर परचेसिंग करना, ये किसानों के लिए काफी हितकारी होगा। और ये करने का प्रयास और ये करने का उद्देश्य उनका यही है कि आत्मनिर्भरता को इन्होंने प्रमोट करना चाहिए ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा सोइंग करे। आगे चलकर हो सकता है कि यह प्रयास इनका ऑयल सीड में भी आए, पल्सेस में भी आए और ग्रेन्स में भी आए। तो इनका ये जो प्रयास चल रहा है ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम मैं से समझता हूँ।